everyone, welcome back to my channel. It's Swati here. I hope you all are doing good. आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है NY Baker लिप लाइनर. अब यार एक डिस्क्लेमर है, मैं NY Baker लिप लाइनर्स का ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ. मैंने एक्चुअली टोटल 4 शेड्स मंगवाए थे जिसमें से 3 शेड आ चुके थे और ये जो आखिरी शेड था ये 3 दिन बाद आया था. आई डोंट नो ये बेचारा कहाँ पे बीच में फंस चुका था एंड बट ये शेड इतना अच्छा लगा मुझे, यू नो, क्योंकि ये रेड टोन में है एंड इसका नंबर है पॉपुलर ब्रॉडवे शो 9. ये 9 नंबर है. मैंने 3 का रिव्यू कर चुकी हूँ. मैं 5 शेड नंबर की मैं बात कर रही हूँ. शेड नंबर 3, 5 एंड 8 मैं तीनों का रिव्यू कर चुकी हूँ. मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. बट ये शेड इतना अच्छा था, आई थॉट कि यार अगर आप लोगों ने ये शेड अगर यू नो एक बार मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ही ना इसको रिव्यू करूं. सो इसलिए मैं एक और वीडियो बना रही हूं इसके ऊपर. एंड अब मैं आपको इसके बारे में एज अ ब्रांड बता दूं. NY Baker इज अ ब्रांड जो आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ purple.com पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड NY Baker के बहुत कुछ आ चुके हैं, लिप लाइनर्स आ चुके हैं, ये तो आप देख ही रहे हो ऑब्वियस. एंड इनकी लिपस्टिक्स आ चुकी है, काजल आ चुकी है एंड इनके वो कंसीलर्स एंड कलर करेक्टर सब कुछ आ चुके हैं. एंड एक और चीज़, मैंने NY Baker के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, यू नो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू डाल किया हुआ है. तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करना एंड तो आपको उसमें NY Baker प्रोडक्ट रिव्यू करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो. एंड अब मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ. ये इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं लिप लाइनर्स, हार्डली यू नो 10-12 डेज हुए हैं जस्ट. एंड ये मैट में लिप लाइनर्स थे. इनकी प्राइसिंग इन्होंने जस्ट 125 रुपीज़ रखी हुई है और वो भी डिस्काउंट पे. बीच में तो इन्होंने 99 रुपीज़ में देने, यू नो, ये लोग यू नो सेल कर रहे थे 99 या 100 रुपीज़ में लिप लाइनर्स. ऑसम, गुड. एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. मैं 3 का रिव्यू डाल चुकी हूँ तो एंड यूज़ कर रही हूँ. इनफैक्ट मैं अभी अभी वाली कितनी सारी वीडियोज़ में भी मैं इसको यूज़ करूँ इनके लिप लाइनर्स, तो आई एम लविंग इट. बस ये वाला शेड नहीं मैंने लगाया था क्योंकि मुझे था कि मैं पहले आप लोगों के साथ यू नो रिव्यू कर दूँ इस शेड को, उसके बाद ही मैं इसको अप्लाई करूँ. एंड अब मैं इनकी अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी इन्होंने दी है 0.25 ग्राम. आपको 125 रुपीज़ में मिल जाएगी एंड समटाइम्स 99 में भी मिल जाएगा. और उसके बाद ये रिट्रैक्टेबल है, आप देख सकते हो. ये आप देखो ये कितना रेड कलर में है. आपने देखी कितनी अच्छी यू नो इसकी काफ़ी यू नो क्वांटिटी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है. एंड अब मैं आपको इसका हैंड स्वैश करके दिखाऊंगी. ओके, अगर मैं सबसे पहले ट्रैवल फ्रेंडली की अगर आपको बात बता दूँ तो टिक करके इसका बंद करता है, आप देखना. ओके, राइट. तो आप इसको आराम से अपने बैग वगैरह में लेके जा सकते हो. एंड उसके बाद मैं आपको अपने हैंड स्वैश करके दिखाऊंगी. ओके, अगर आप ये देख रहे हो किस चीज़ का हैंड स्वैश है, ये मैंने अभी अभी बेला वॉस्टा के ब्लू आईलाइनर का किया था रिव्यू, तो ये उसका हैंड स्वैश है. आप वो अगली वीडियो जरूर देखना. आप देख सकते हो रेड कलर में ये. एंड आई जस्ट लव द शेड क्योंकि थोड़ा सा ना डिफरेंट सा शेड हो गया. मेरे पास एक ब्राउन में था, एक बेबी पिंक में शेड था, एक थोड़ा डार्क पिंक में शेड था एंड दिस वाज द रेड शेड. और मैं इसका वेट कर रही थी बट ये पता नहीं लेट आया. चलो अब मैं आपको अपने लिप्स के ऊपर लगा के दिखाती हूँ. एंड मेरे अभी लिप्स के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, जस्ट मैंने अपनी लिप बाम लगाई हुई है ये वादी हर्बल्स की. एंड मैं जस्ट आपके सामने अभी इसको क्लीन करूंगी. लिप बाम इसलिए लगाई हुई है क्योंकि एक और चीज़, ये आपके बिल्कुल मैट यू नो लिप लाइनर्स हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को अच्छी तरह से नो एक्सफोलिएट करो. और उसके बाद आप जब जितनी देर तक आप तैयार होते हो, सारा मेकअप करते हो, उतनी देर तक आप अपने यू नो कोई भी अपने पसंद की चाहे वैसलीन लगाओ अपने लिप्स के ऊपर, यू नो अच्छी तरह से हाइड्रेट करो जैसे देखो मैंने किए हुए थे. क्योंकि नहीं तो फिर आपको ये लिप लाइनर्स थोड़े से यू नो ड्राई लगेंगे एंड लाइंस लगेंगे, पैची भी लगेंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर रहे हो और हाइड्रेट कर रहे हो. और जब आप लिप इनको लगाते हो तो आप थोड़ा सा अपनी वैसलीन एंड लिप बाम को हटाना चाहिए आपको, राइट. अब देखो मैंने इसको हटा लिया और मैं आपको इसको लगा के दिखा. अब ये काफी पिगमेंटेड है. अब देखो ये रेड कलर है एंड आई जस्ट लव द शेड, अच्छा लगा मुझे वाला शेड. ये बिल्कुल मैट हो जाते हैं बाद में लगाने के बाद, इनमें बिल्कुल भी कोई भी यू नो क्रीम एंड ये वो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैट हो जाएंगे. ओके, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको लगा लिया एंड ये कितना प्यारा सा यू नो रेड शेड है. एंड अब मैं आपको इसको यू नो टेस्ट करके दिखाती हूँ. आप ये देखो
ये बिल्कुल ट्रांस दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा। दिस वॉज द मिनी रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। इसके मैंने और भी शेड्स का रिव्यू डाला हुआ है, किया हुआ है, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक डालूंगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। एंड ओके, वीडियो को मैं खत्म करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने नेल्स के ऊपर लगाया हुआ है ऑन ग्लेस की नेल पॉलिश है, ये मैंने लोकल स्टोर से खरीदी थी और ये 51 नंबर इसका है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई नो कमेंट बॉक्स में ये ना जरूर आप लोग पूछोगे। एंड सो टिल देन बाय।